नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अर्शिया पाइल्स और साथ में फिसर यानी गुदा मार्ग में कट लग जाना, घाव हो जाना, इन दोनों बीमारियों के लिए आयुर्वेद संहिता चरक संहिता के अर्श रोगाधिकार में बहुत ही अच्छी विधि बताई गई है। उसमें कई औषधियों का वर्णन है, जिसमें एक सामान्य औषधि जो जन सामान्य में आसानी से मिल जाता है, ग्रामीणांचल क्षेत्रों में भी आसानी से मिल जाता है, तो इस औषधि को किस रूप में सेवन करें, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करें। तो अर्श रोगाधिकार में जो औषधि वर्णित है उसमें तीन औषधियों का नाम है। जो पहली औषधि है वो एरंड पत्र यानी रेड़ी का पत्र सभी लोग जानते हैं। दूसरी औषधि है वासा या अड़ूसा या रूस पत्र, सभी लोग जानते हैं, गांव क्षेत्र में खूब होता है और खांसी वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें जो बलगम कफ के साथ ब्लड आता है उसमें भी काफी फायदेमंद होता है। और तीसरी औषधि है भांग, भांग का जो पत्ता होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस तरह तीनों औषधियों के अगर पत्र मिल जाए तो ठीक है, या कोई एक भी मिल जाए तो भी ठीक है। इसको पानी में थोड़ा सा पत्र कूटकर कल्क बनाकर चटनी जैसा पेस्ट बनाकर उसको पानी में डालकर बॉयल कर लें। एक दो लीटर पानी में अच्छे से बॉयल करके इसके बाद शौच से आने के बाद गुदा मार्ग की उस पानी से सिकाई करनी होती है। 5 से 10 मिनट तक कपड़ा भिगोकर सिकाई करें। ऐसा करने से एनस के जो बाहर स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसमें आराम मिलता है, दर्द में भी आराम मिलता है, और जो कट लग गया होता है, घाव हो गया होता है, जल्दी भरता नहीं है, जिसको फिसर कहते हैं, तो वो फिसर में भी फायदा करता है, दर्द को भी दूर करता है और घाव को आसानी से भर देता है। तो इस तरह इसके काढ़े से अगर हम सिकाई करते हैं सुबह और शाम प्रतिदिन तो बहुत ही जल्दी लाभ होता है, सूजन भी खत्म हो जाती है, घाव भी जल्दी भर जाता है। सिकाई करने से 15-20 मिनट के बाद उसको सूखे कपड़े से सुखा लें और इसके बाद गुदा मार्ग में अंदर उंगली से जात्यादि तेल आता है आयुर्वेद का, बहुत बढ़िया बना बनाया तेल आता है, उस तेल को अंदर अच्छे से लगा लें। तो यह प्रक्रिया अगर हम सुबह शाम प्रतिदिन करते हैं तो हमारे घाव भी जल्दी भरते हैं, सूजन भी जल्दी से समाप्त होने लगता है, बहुत कम हो जाता है और दर्द में भी आराम मिलता है। इसके साथ साथ ध्यान जो रखने वाली बात है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज न होने पाए, तो इसके लिए चिकित्सक के निर्देशानुसार औषधियों का भी सेवन करना चाहिए। वैसे त्रिफला सबसे अच्छी औषधि होती है, जिसको रात में गुनगुने जल से 3 से 6 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, तो इससे आपको कब्ज नहीं होता है, विबंध नहीं होता है और हार्ड स्टूल नहीं होने से घाव के भरने में और सूजन में काफी जल्दी आसानी हो जाती है। तो इस तरह अगर हम सेवन करते हैं और इस तरह इन तीनों औषधियों यानी एरंड पत्र, वासा या अड़ूसा पत्र या भांग के पत्ते से, तीनों के पत्ते का एक साथ या अलग अलग भी आप काढ़ा बनाकर सिकाई करते हैं और जात्यादि तेल का अप्लीकेशन करते हैं, तो जल्दी आपके मस्से भी सूख जाते हैं, घाव भी जल्दी से भर जाता है और दर्द से निजात मिलती है। तो इसके साथ ही मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।